90 की दशक एक्ट्रेस आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। आयशा ने केवल 11 साल की उम्र में 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग से डेब्यू किया था। उन्होंने अपने 27 साल के करियर में करीब 52 फिल्में की हैं। आयशा जुल्का ने फिल्म जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान की बचपन की दोस्त अंजली का रोल निभाया था। फिल्म में आयशा के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। उनकी मुख्य फिल्मों में बलमा, रंग, वक्त हमारा है और दलाल शामिल है। आयशा जुल्का का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। फिल्मों में आयशा और अक्षय कुमार की जोड़ी को जहां दर्शकों ने खूब पसंद किया तो वहीं उनके अफेयर के किस्से भी उस दौरान बॉलीवुड गलियारों में चल रहे थे, लेकिन अक्षय उस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर गंभीर नहीं थे, जिसकी वजह से अक्षय के साथ आयशा ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। 1993 में आयशा जुल्का ने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ दलाल की फिल्म के साथ ही दोनों का अफेयर शुरू हो गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। फिल्म में काफी बोल्ड सीन थे, लेकिन जिसकी वजह से ये मामला कोर्ट तक भी पहुँच गया था। शायद ये फिल्म करना आयशा जुल्का की एक बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उनका करियर लगभग खत्म हो गया। साल 2003 में आयशा जुल्का ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म आज में खूब बोल्ड सीन्स दिए। फिल्म में आयशा और नाना के बीच इंटीमेट सीन फिल्माए गए, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और लिव इन में रहने लगे। उस वक्त मनीषा को इराला और नाना पाटेकर के बीच भी नजदीकियों की खबरें थी। कहा जाता है आयशा जुल्का की वजह से मनीषा को इराला और नाना पाटेकर के बीच ब्रेकअप हो गया। हालांकि आयशा और नाना के बीच भी रिश्ता ज्यादा दिन चल नहीं पाया। साल 2003 में ही नाना से अलग होने के बाद उन्होंने बिजनेस टाइकून समीर वाशी से शादी कर ली। अभी दोनों की एक बेटी है। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद आयशा फिलहाल अपने पति के साथ बिजनेस संभाल रही हैं। जेड न्यूज की रिपोर्ट।